तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जिन स्टूडेंट का ट्रिपल सी का एग्जाम इसी मंथ में या आने वाले मंथ में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं जो पिछले कई महीनों से लगातार रिपीट हो रहे हैं और नए सिलेबस पे आधारित है। तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए आज किस वीडियो को, यानी आज किस टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेस्ट को ज्वाइन करिए जिससे आपको पूरी तरह से हेल्प मिल सके। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा, ट्रिपल सी से रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, अगर आपकी कोई क्वेरी है, तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के टेस्ट में जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूज क्रिएट करने वाला है, क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिएगा फिर आंसर दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, इसलिए मैंने इसे टॉप लेवल पे रखा हुआ है, ठीक है। तो नंबर एक ऑप्शन है प्रिंटर, बी नंबर स्पीकर, सी नंबर माइक्रोफोन, डी नंबर मॉनिटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा माइक्रोफोन। अब आप बात करते हैं कि माइक्रोफोन क्यों हो जाएगा, प्रिंटर मालूम है हार्ड कॉपी आप लोगों का निकालता है, स्पीकर आपका आउटपुट निकालता है आवाज़ वाइज, ठीक है, मॉनिटर आप लोगों का डिस्प्ले करता है इसलिए वो भी आउटपुट हो गया। अब माइक्रोफोन क्या हो गया, माइक्रोफोन किसे बोलते हैं आप लोगों को मालूम है, माइक जो कि सिंगर लोग इस्तेमाल करते हैं या भी कहीं भी कोई भी परफॉर्मेंस रहती है, ठीक है, तो वहाँ पर यूज करते हैं वही माइक बोलते हैं, ठीक है, उसे ही बोलते हैं माइक्रोफोन, जो कि आपके इस तरह कलर का होता है, ठीक है, जहाँ पे बोलते हैं माइक, ठीक है, उसे ही होता है माइक्रोफोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेफ्ट ऑफिस राइटर में स्टाइल की शॉर्टकट कीज क्या होती है। तो नंबर एक ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एस, और बी नंबर है कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी है, सी नंबर है F10 और डी नंबर है F11। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में बेशक बता सकते हैं। तो मैं आप लोगों को, जिन लोगों को लिब्रो ऑफिस के बारे में नहीं मालूम है उनको लोगों को मैं बता दूं, उन सभी स्टूडेंट को, कि लिब्रो ऑफिस एक नया सिलेबस ऐड हुआ है ट्रिपल सी के एग्जाम में, जिससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जितना भी हो सके आप लिब्रो ऑफिस से क्वेश्चन पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि ये मान के चलिए कि 50-60% क्वेश्चन आपको लिब्रो ऑफिस से ही देखने को मिलेंगे। मैंने लिब्रो ऑफिस के लिए स्पेशल क्लासेस बनाई है, उसमें सिर्फ स्पेशल लिब्रो ऑफिस के बारे में मैंने क्वेश्चन बताया। अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए सारी वीडियो वॉच कर लीजिए, आई होप आपको पूरी तरह से हेल्प मिल जाएगी। और हाँ, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा, चलिए ऊपर आ जाते हैं, ये आपके अपने भाई की वेबसाइट है, अभी तक इसको ओपन नहीं किया है, तो ट्रिपल सी के एग्जाम यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं सेल्फ से खुद ही, ट्रिपल सी एग्जाम क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड जो भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं और रिपीट हो रहे हैं बार बार, वो सारे क्वेश्चन आपको इस वेबसाइट पे देखने को मिलेंगे। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस वेबसाइट को ओपन करके सारे क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, और क्वेश्चन के साथ आपको आंसर भी देखने को मिलेगा। अगर आपको वो सारे क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो मोटिवेशन के लिए आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और ये आपके अपने भाई का फेसबुक पेज है, अभी तक आपने इसे फॉलो नहीं किया हमें तो फॉलो कर लीजिए, मैं हमेशा इस पर एक्टिव रहता हूँ, आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो बेशक पूछ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन हो चुका था, दूसरा भी हो चुका है, ठीक है, दूसरा का भी राइट आंसर मैंने नहीं बताया था शायद, क्यों। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर F11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस क्लर्क में फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो नंबर एक है कंट्रोल प्लस आई, बी नंबर कंट्रोल प्लस एफ, सी नंबर है आल्ट प्लस F4 और डी नंबर है कंट्रोल प्लस F2। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या, डी नंबर कंट्रोल प्लस F2। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, फंक्शन या फार्मूला, ठीक है, इंसर्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस F2 शॉर्टकट कीज का यूज करते हैं, किसमें, लिब्रो ऑफिस क्लर्क में, यानी कि एमएस ऑफिस के वे में बात किया जाए तो एमएस ऑफिस एक्सेल, ठीक है, क्लर्क को ही एक्सेल बोला जाता है या एक्सेल को ही क्लर्क बोला जाता है, ठीक है। देखो, मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने लिब्रो ऑफिस से ही बनाए हैं इस वीडियो में, और बहुत सारे मैं यही कोशिश करता हूँ लिब्रो ऑफिस से क्वेश्चन उठाऊँ जिससे आप लोगों को पूरी तरह से हेल्प मिल सके। कुछ जनरल नॉलेज से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको 20-25 क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज से भी देखने को मिलेंगे ऐसे, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर, आधार कार्ड इनबिल्ट पेमेंट सिस्टम यानी कि
AEPS का ही फुल नेम होता है आधार एम्बेडेड पेमेंट सिस्टम, इसलिए मैंने शॉर्ट में इसका भी लिख दिया है जिससे आपको समझ में आ जाए। से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो नंबर एक है बैलेंस चेक करना, बी नंबर पैसे जमा करना, सी नंबर पैसे निकालना, डी नंबर इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, इनमें से सभी, ये सारे हम काम कर सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, VDS का पूर्ण रूप क्या होता है, तो नंबर एक है वायरी डिटेक्टर सर्विस, बी नंबर वर्चुअल डिस्प्ले सिक्योरिटी, सी नंबर वर्चुअल डिटेक्टर सर्वर और डी नंबर नन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ध्यान देना आप लोगों को। मैं आप लोगों को ये बता दूं दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ कहने का मतलब नहीं है, अगर आप थोड़ा सा भी टाइम दें, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता, मैं वीडियो में कुछ ही कोई मतलब कि मिनिमम क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ, कि मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊँ भले ही वो कम हो लेकिन आपको पूरी तरह से समझ में आए और आपके माइंड में सारे क्वेश्चन सेट हो जाएं, मेरा मेन उद्देश्य ये है। तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, अंत तक, हो सकता है जो मैं लास्ट में क्वेश्चन बताऊँ एग्जाम में वही आ जाए, तो आप बाद में पूछे सर आपने ये तो बताया नहीं था क्वेश्चन, ये आ गया एग्जाम में, तो इसलिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, नहीं लास्ट तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन विंडो के लिए किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग किया जाता है, तो ए नंबर कंट्रोल प्लस डब्लू, बी नंबर आल्ट प्लस ओ, सी नंबर कंट्रोल प्लस ओ और डी नंबर है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एफ। तो विंडो ओपन करने के लिए, जैसे भी कोई भी विंडो आप ओपन करना चाह रहे हैं, जैसे कि ले लीजिए एम एस ऑफिस में किसी वर्ड में अगर आप कोई विंडो ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल ओ करेंगे तो आपके सामने वो एक विंडो ओपन हो किया जाएगी, ट्राई जरूर करिएगा अगर आपके पास कंप्यूटर है तो, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर कंट्रोल प्लस ओ, ठीक है, ओपन करने की शॉर्टकट की जो होती है, ठीक है, ओपन फाइल या ओपन विंडो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई आर सी टी सी द्वारा ई टिकटिंग कब शुरू की गई, तो एक नंबर 2005, बी नंबर 2008, सी नंबर 2010, डी नंबर 2002। तो ई टिकटिंग, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर 2002 में ई टिकटिंग शुरू की गई थी, यानी कि आप लोगों को टिकट के बारे में मालूम होगा, ई टिकटिंग मतलब कि आपके जब आप कुछ भी जैसे कहीं जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप टिकट कर सकते हैं उसका, तो ऑनलाइन वही होगा ई टिकटिंग, जहाँ पर ई स्टार्टिंग में ले जाए ई लर्निंग, ई टिकटिंग, ई एप या ई बहुत सारे ई, तो मतलब आप समझ लीजिए कि वो चीज़ आपकी ऑनलाइन यानी इंटरनेट से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे छोटी यूनिट कौन है, तो नंबर एक है मेगाबाइट, नंबर बी है बाइट, सी नंबर है बिट, डी नंबर है निब्बल। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहते हैं कि निब्बल होती है सबसे छोटी इकाई, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन, या हो सकता है स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई की को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो मतलब तो क्वेश्चन का वही है पर थोड़ा घुमा फिरा के हो जाता है बस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिट हो जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि निब्बल होता है, निब्बल नहीं होता है, चार बिट को मिला के एक निब्बल मिलता है, ठीक है, चार बिट को मिला के एक निब्बल बनता है, ठीक है, और दो निब्बल मिला के एक बाइट का निर्माण करता है, ठीक है, आठ बिट मिलकर एक बाइट का निर्माण करते हैं, तो सबसे छोटी आपकी बिट होती है, फिर निब्बल, फिर बाइट, फिर के बी, फिर एम बी, फिर जी आगे आगे बढ़ता चला जाता है, जी बी, फिर टी बी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एलयू का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ए नंबर लोकल यूनिट, बी नंबर लॉजिक यूनिफॉर्म, सी नंबर है लॉजिक यूनिट, डी नंबर लास्ट यूनिट। तो एलयू, सीयू, एमयू, आई होप इसके बारे में आपको नॉलेज ही होगा, अगर नहीं होगा तो मैं बता दूं, सीयू होता है, सीयू आ जाए तो कंट्रोल यूनिट, एलयू आ जाए तो लॉजिकल यूनिट, ठीक है, अगर एएलयू आ जाए तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, तो यहां पर सिर्फ एलयू आया है तो इसलिए इसका फुल नेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, हो जाएगा सी नंबर लॉजिक यूनिट, ठीक है, हो सकता है लॉजिकल यूनिट भी आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, लॉजिकल भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, लॉजिकल यूनिट, लॉजिक यूनिट वही हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रो ऑफिस राइटर में कमेंट लगाने या कमेंट लिखने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज यूज की जाती है, क्वेश्चन आपके किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, मैं एग्जैक्टली ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन यही आएगा,
मतलब वही रहेगा जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। लिब्रो ऑफिस राइटर में कमेंट लगाने के लिए शॉर्ट कट की होती है, तो ऑप्शन दिए। क्वेश्चन ये भी हो सकता है, लिब्रो ऑफिस राइटर में कमेंट यूज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज का प्रयोग किया जाता है या कौन सी शॉर्टकट कीज का यूज किया जाता है, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है। तो कमेंट तो एक ही चीज़ हुई, अब चाहे उसको प्रयोग करो, चाहे यूज करो, चाहे उपयोग करो, बात तो वही है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी नंबर, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी अगर प्रेस करेंगे तो कमेंट आप लगा सकते हैं, डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा छोटा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ट्विटर का पहला नाम स्टेटस था? बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है और कंफ्यूज भी रहते हैं कि क्या ट्विटर का क्या नाम था। बहुत लोग तो बता देते हैं ट्विटर रहता है या ऐसा वैसा, तो मैं इसका राइट आंसर क्या बताना चाहूँगा, यानी कि ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। अब ट्रू क्यों होगा, तो भैया जो ट्विटर था उसका जो पहला नाम था वो स्टेटस ही था, बाद में उसका नाम ट्वीट भी रखा गया है, ट्वीट के बाद फिर ट्विटर आया है, ठीक है। तो इसके कितने नाम हो गए, 3, स्टेटस, ट्वीट, ट्विटर, तो राइट आंसर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में फार्मूला स्टार्ट करने से पहले प्लस का प्रयोग करते हैं, तो अब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। अब आप कह रहे होंगे ट्रू क्यों हो जाएगा भैया, एक्सेल में तो हम जब फार्मूला स्टार्ट करते हैं तो हम इक्वल वाला सिंबल लगाते हैं, अब प्लस क्या हाँ? प्लस का प्रयोग करते हैं, ये कैसे आप ट्रू कर दिए? तो भैया हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो एक्सेल होता है उसमें आप जब कोई फार्मूला स्टार्ट करते हैं तो इक्वल लगाते हैं, ठीक है। अगर आप प्लस भी लगाएंगे ना तो सेम वर्क करेगा। अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं किया है तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए, क्योंकि एक मैजिक है, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट को नहीं मालूम होगा कि प्लस लगा के भी हम फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो आप ये मैजिक जरूर ट्राई करिएगा, प्लस लगा के फार्मूला यूज करिएगा, जैसे प्लस सम, ठीक है, उसके बाद ब्रेकेट स्टार्ट, ब्रेकेट क्लोज, उसके बाद आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा, ट्राई जरूर करिएगा, राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटी का पूर्ण रूप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, तो ए नंबर है फॉल्स, बी नंबर है ट्रू, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी। वाह क्या क्वेश्चन है, आई होप अगर आप ट्रिपल सी कर रहे हैं, ट्रिपल सी के बाद अगर ओ लेवल आप करते हैं तो आप एक प्रोफेशनल आईटी स्टूडेंट कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, आईटी स्टूडेंट। तो इसलिए इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का फुल नेम होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आईटी का फुल नेम आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा, अगर आप ट्रिपल सी कर रहे हैं तो आप समझ जाइए, ट्रिपल सी के बाद अगर ओ लेवल कर लिए तो आप समझ लीजिए आईटी प्रोफेशनल हो गए, यानी कि आईटी के स्टूडेंट, कहीं भी अगर अपना नाम बताएंगे आईटी स्टूडेंट है तो क्या बात है, तो ये जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस एक प्रकार की टोपोलॉजी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा ट्रू भैया। बस कौन सी, ये वाली बस नहीं, ट्रेन बस कार, ये वाला बस नहीं है दोस्तों, ये बस दूसरी है, टोपोलॉजी, स्टार, मैस, ठीक है, बस, रिंग, और भी कई प्रकार की, यानी कि टोटल कितनी प्रकार की टोपोलॉजी होती है, मैंने कई बार बताया है, बस, रिंग, ट्री, मैस, एक्सेट्रा, ठीक है, इतनी टोपोलॉजी होती है, तो ये टोपोलॉजी वाला बस है, तो इसलिए राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोल्डर को डायरेक्टरी भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एंड कन्फ्यूज क्रिएट करने वाले, अब आप सोच रहे होंगे फोल्डर को डायरेक्टरी भी कहते हैं क्या, तो भैया कहते हैं, अब क्यों कहते हैं मैं आपको ये बता दूं, विंडो में जब आप कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं, ठीक है, ओपन कर लिया, उसमें कोई फोल्डर बनाया, ठीक है, लेफ्ट क्लिक करके आपने न्यू पे गए, न्यू पे जाने के बाद न्यू फोल्डर पे क्लिक कर दिया, लो भैया फोल्डर बन गया, या कंट्रोल शिफ्ट एन से भी आप न्यू फोल्डर बना सकते हैं, लेकिन इसमें कह रहा है डायरेक्टरी, तो भैया जो फोल्डर है उसको विंडो में, विंडो होता है ना, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें हम विंडो जो विंडो होता है उसमें फोल्डर कहते हैं, ठीक है, और सेम प्रोसेस डॉस होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, उसमें हम डायरेक्टरी बोलते हैं, ठीक है, डॉस में हम डायरेक्टरी बोलते हैं फोल्डर को ही, अब समझ में आ गया, विंडो में फोल्डर बोला जा, एक ही चीज़ है, विंडो में फोल्डर बोला जाता है और डॉस में डायरेक्टरी बोली जाती है। तो भैया ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, फोल्डर को हम डायरेक्टरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटपैड को इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ता है, तो भैया इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, फाल्स हो जाएगा। अब फाल्स क्यों होगा, तो नोटपैड को हम, जो नोटपैड होता है आप लोगों ने ओपन ही किया होगा, सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग पैकेज है, ठीक है,
तो इंटरनेट को तो हम डाउनलोड नहीं करते भैया, नोटपैड प्लस प्लस तो डाउनलोड करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही नोटपैड की। तो नोटपैड आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज, जैसे कि आप कह सकते हैं कि विंडोज में ऑलरेडी ये इंक्लूडेड रहता है, बाय डिफॉल्ट रहता है, तो इसे हम डाउनलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये बाय डिफॉल्ट होता है, इसे डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए राइट आंसर डी नंबर फाल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो स्कैनर आप सोच रहे होंगे प्रिंटर की तरह ही तो होता है, तो आउटपुट डिवाइस तो है ही। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा फाल्स। अब फाल्स क्यों होगा, स्कैनर आपको स्कैन करता है, ठीक है, ना कि आउटपुट प्रदान करता है, इसलिए क्वेश्चन ये हो जाएगा फाल्स। स्कैनर कहीं भी आए तो आप कह दीजिएगा स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेट प्रिंटर के शॉर्टकट कीज कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी होती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फाल्स। अब फाल्स क्यों होगा मैं आपको बता दूं, एमएस वर्ड में आप ओपन करते हैं तो फॉर्मेट प्रिंटर एक ऑप्शन दिखाई देता है आपको। तो फॉर्मेट प्रिंटर का एक वर्क क्या वर्क होता है मैं आपको बता दूं, फॉर्मेट प्रिंटर का वर्क ये होता है, प्रिंटर नहीं ये प्रिंटर है, ध्यान दीजिएगा। तो फॉर्मेट प्रिंटर का यूज ये होता है कि एक ही फॉर्म, जैसे कोई भी फॉर्मेटिंग एक टेस्ट पे लगाए, सेम फॉर्मेटिंग दूसरे टेस्ट पे कॉपी करना है तो वहाँ पर हम फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करते हैं। यानी एक ही फॉर्मेटिंग किसी अन्य टेस्ट पे अप्लाई करने के लिए हम फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करते हैं, या शॉर्टकट कीज क्या होती है, फाल्स हो जाएगा। क्योंकि ये क्या फाल्स क्यों होगा, आल्ट की जगह शिफ्ट होना चाहिए था, अगर शिफ्ट होता तब ये ट्रू होता। तो शॉर्टकट कीज क्या होती है फॉर्मेट प्रिंटर की, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, मालूम ही होगा F7 होती है स्पेलिंग, कोई भी आप लिखते हैं आपको लगता है वो रॉन्ग है तो आप F7 प्रेस करके आप देख सकते हैं कि कौन सा इसका करेक्ट है, जो उसमें आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, तो आप उसमें से सिलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों में अधिक संख्या में चेक का निस्तारण करने के लिए MICR का यूज किया जाता है। तो जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ट्रू भैया, बैंकों में जो चेक होती है उसको निस्तारण करने के लिए MICR का प्रयोग ही किया जाता है या यूज किया जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं MICR क्या होता है, MICR का फुल नेम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। क्वेश्चन यानी कि इस फुल नेम में ही उसका आंसर छिपा, मैग्नेटिक, ठीक है, चुंबकीय, इंक जो होता है ना CI, कैरेक्टर जो लिखा होता है, रीडर रीड करता है, तो इसमें जो लिखा होता है ना उसे रीड कर लेता है, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, MICR का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप इसी तरह के और क्वेश्चन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में भी बताइएगा ये आप, और अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बेशक आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई 100% देता हूँ। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।